This conference will now be recorded. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing good. If you are listening to me clearly, to please write okay in the chat box. Thank you Zubia Bache Ghazal. Thank you so much. Thank you Sana Bache. Thank you Amna. Thank you Mubeen. Thank you Ashna. Thank you so much everyone. Ab guys hum logon karna kya?

मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे तो गाइज कल जो मैं पढ़ा रहा था अगर मैं उसको समराइज करूं मैंने कल क्या पढ़ाया था तो मैंने ये पढ़ाया था गाइज के जो रीवैल्युशन सरप्लस आता है रीवैल्युशन गेन आता है इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट इसका यह है कि ओसीए में जाता है लेकिन अगर लेकिन अगर एक प्रीवियस रीवेल्यूशन लॉस इज ऑन द सेम एसेड ये सेम एसेड के क्या कॉन्सेप्ट है ये जितनी भी हम ऑफसेटिंग पढ़ रहे हैं अगर हम कह रहे हैं कि एक लैंड वन है मेरे पास एक लैंड टू है मेरे पास लैंड वन का गेन है और लैंड टू का लॉस है ये आपस में ऑफसेट नहीं हो सकते क्योंकि ये लेदा लैंड है ये लेदा लैंड है जो ऑफसेटिंग का प्रोसेस है ये जितने भी हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं कि पहले लॉस है या नहीं है ये सेम एसेड का है सेम एसेड का मतलब है लैंड वन का गेंद लैंड वन के लॉस के अगेंस्ट ऑफसेट तो हो सकता है इसी तरह अगर लैंड देखें अब ये एक गेन है एक लॉस है ये गेन सर ये इस एसेट की पहले कभी रिवल्यूशन नहीं हुई इसकी भी कभी नहीं हुई सर इसका गेन ओसिया में जाएगा इसका लॉस पी एन एल में जाएगा ये आपस में ऑफसेट नहीं हो सकते तो दो डिफरेंट एसेट्स के गेन लॉसेस ऑफसेट नहीं होने सिर्फ एक एसेट सेम एसेट के गेन लॉसेस की बात करते हैं जब हम ऑफसेटिंग की बात करते हैं इसका मतलब है लैंड वन का गेन कब कौन सा लॉस खत्म करेगा जब लैंड वन के ऊपर ही लॉस आएगा तो वो इस गेन को खत्म करने की कोशिश करेगा

फर्स्ट सेट ऑफ प्रीवियस प्रीवियस लॉस कहां पे लॉस पड़ा होता है पीएनएल में तो प्रीवियस लॉस पीएनएल में एंड एनी ओवर एंड अब और जो ओवर एंड अब अमाउंट होती है आफ्टर ऑफसेटिंग वो फिर ओसिया में चली जाती है बच्चों ये पढ़ा था हमने देन अगली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी देट वाज कि अगर रिवॉल्यूशन लॉस आ जाता है तो ये पी में जाना चाहिए पीएनएल में जाना चाहिए अगर इससे पहले कोई गेन नहीं है तो पीएनएल में कब जाता है जब इससे पहले गेन नहीं है बट इफ प्रीवियस गेन एग्जिस्ट तो जी बच्चों अगर प्रीवियस गेन एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या होता है जरा जल्दी से बता दें जी सही कह रहे हैं आप फिर लॉस जो है लॉस फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ प्रीवियस गेन्स अब गेन्स कहां पड़े होते हैं ओसिया में तो प्रीवियस गेन इन ओसीए

तो अब पहली डबल एंट्री जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो है सिर्फ गेन या लॉस के ट्रीटमेंट की डबल एंट्री मैं आपको डेप्रीशन की एंट्री नहीं सिखा रहा मैं को आ, एक पुरानी जो है उसका क्या करना है अभी मैं कुछ ऐसा नहीं सिखा रहा सो द फर्स्ट जर्नल एंट्री जो आप लोग सीख रहे हैं मेरे साथ वो है कि गेन या लॉस के अगर डबल एंट्रीज बनानी हो तो कैसे बनाते हैं लेट स्टार्ट गाइज हमारा फोकस सिर्फ करंट ईयर के गेन लॉस की एंट्रीज के साथ है जी मेरे बच्चों पहले लॉस नहीं था पहले रिवोल्यूशन हुई नहीं जब पहले रिवोल्यूशन ही नहीं हुई इसका मतलब है ये लॉस है तो इससे पहले गेन नहीं गेन है तो उससे पहले लॉस नहीं तो यार गाइस लॉस है तो कोई बता सकता है ये लॉस किधर जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल्कुल ठीक गजल बच्चे शाबाश अब बच्चों डबल एंट्री क्या बनेगी लॉस है तो सबसे पहली बात ये है कि एसेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है तो इसलिए जो पहली डबल एंट्री आप बनाएंगे वो होगी कि आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जी सर आप एसिड को क्रेडिट कर देंगे बिल्डिंग का लॉस है तो बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी अगर ये प्लांट का लॉस है तो प्लांट क्रेडिट हो जाएगा तो बच्चों तीन से क्रेडिट आपने कर दिया प्लांट अब डेबिट तो होना चाहिए लॉस लेकिन लॉस के बारे में ना ये जो लॉस है ये इसके बारे में आपने डिसाइड कर लेना है कि ये जाना किधर है और आपने उस चीज को डायरेक्ट डेबिट करना आपने उस चीज को डायरेक्ट डेबिट करना इसका मतलब ये है कि लॉस जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में तो डबल एंट्री बनेगी बच्चों डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिट करना है आपने एसेट किसी ने कहा सर नहीं मैंने लॉस लिखना है ब्रैकेट में लिख लो आगे ये ले लॉस डेबिट डेबिट हो हो रहा है, जो actually में debit हो रहा है है जो एक्चुअली में इसलिए बेहतर क्या है तो बच्चों मैंने कल डबल एंट्री से सिखाने से पहले क्यों बताया कि गेन लॉस के दर्जाना है ताकि डबल एंट्री बनाते हुए हमें क्लैरिटी हो कि अच्छा यार ये पी एन एल क्यों लिखना है अदरवाइज तो मसला था क्या आपको ये बात समझ लग गई कि आपने वो हेड यूज करना है जहां पे वो चार्ज हो रहा है तो फर्स्ट डबल एंट्री क्लियर है तो ओके okay लिख दो ओके शाबाश आगे नेक्स्ट बच्चों इस दफा लॉस आया थ्री का अब जरा प्रीवियस सिचुएशन देखते हैं प्रीवियस सिचुएशन क्या है प्रीवियस सिचुएशन थी कि पहले भी लॉस है तो जब पहले लॉसेस हैं दुश्मन है ही नहीं लॉस का दुश्मन है गेन तो यार दुश्मन के घर जाने की जरूरत ही नहीं दुश्मन का घर है अदर इनकम लेकिन वहां पे कोई है ही नहीं तो क्या उसके घर जाएं उसको मारें नहीं भाई तो पिछले सालों में भी लॉसेस थे इस साल भी लॉसेस हैं तो सिंपल लॉस भी इनल में चार्ज हो जाएगा फिर थ्री तो का आपने क्रेडिट करना है तो मैंने एसेट को क्रेडिट किया ले एसेट क्रेडिट हो गया कितने का लॉस है टोटल थ्री का थ्री से डेबिट लॉस किधर चार्ज होना है ये डिसाइड करना पड़ेगा डबल एंट्री बनाने से पहले तो डेबिट आपने बच्चों पी एन एल कर दिया ब्रैकेट में किसी ने लॉस लिखना है तो लिख ले कोई नहीं भी लिखेगा तो कोई मसला नहीं तो बच्चों ये दो एंट्रीज होगी क्लियर आगे मेरे बच्चों हम सिर्फ को रिकॉर्ड करने की एंट्रीज पढ़ रहे हैं। अब आ लॉस वाली सिचुएशन ही हम देख रहे हैं तो ले जी, अब ये वाली सिचुएशन में आ जाए जी सर पहले गेन है और ऐसे में लॉस आ गया सर लॉस जब आया ना एट तो उसने देखा कि पुरानी पुराने, पुराने सालों में सेम एसेट पे

तो हमने कहा ठीक है जी थी, पांच आप ओसी में चार्ज हो जाए और बाकी जो तीन बच्चा है हमने पूछा हाँ जी आपका क्या इरादा है उसने कहा जी दुश्मन तो मर गए हैं तो मैं अपने घर चला जा, जा रहा हूं। तो उसका घर पी बच्चों डबल एंट्री दोबारा वही प्रोसेस एक डेबिट एंट्री है एक क्रेडिट एंट्री है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जरा सुनना है सबसे पहले एसेट देख लें जरा एसिड रिड्यूस हो रहा है मेरे बच्चों कितने से रिड्यूस हो रहा है एसिड रिड्यूस हो रहा है एड से रिड्यूस तो हो रहा है एट से अब मेरे बच्चों क्या करना है आप लोगों ने अब आगे अब देखना है आपने लॉस लॉस जाना किधर तो बच्चों ये आठ का लिख सकते हैं भी लिख सकते हैं दोनों ठीक है हम दोनों लिखा करेंगे तो रिवेल सरप्लस यानी के ओ सी आई में जो चार्ज होना है दैट इज जी सर कितना था फाइव ये बच्चों डबल एंट्री है ये डबल एंट्री प्लीज क्लियर करें मैंने आप लोगों से बनवानी है अभी डबल एंट्रीज तो जरा प्लीज क्लैरिटी लाएं अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम इधर ही हैं जस्ट राइट ओके जस्ट राइट ओ जस्ट राइट ओ इफ इट्स ओके ओके शाबाश एक मेरे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मेरा बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये फाइव जो है डेबिट क्यों हो रहा है uh, मेरे बच्चे सबसे पहले आप ये क्लियर करेंगे कि आप डबल एंट्री किसकी बना रहे हैं आप इस लॉस की एंट्री बता, बना रहे हैं या पिछले सालों के गेन की एंट्री बता रहे हैं बना रहे हैं पहले मेरा बच्चा ये मुझे बता दे हमें ये क्लैरिटी चाहिए कि हम एट के लॉस की एंट्री बना रहे हैं या पिछले साल के गेन की एंट्री बना रहे हैं थैंक यू बच्चे मेरे बच्चों लॉस का जो बैलेंस है लॉस का जो बैलेंस है ये होता 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 है क्रेडिट होता है? होता है। या तो मेरे बच्चे जब का होता है, तो एक्चुअली ये वो लॉस है ना जो आप पी में चार्ज कर रहे हैं ये लॉस ही है जो आप ओ को चार्ज कर रहे हैं तो ये लॉसेज है इसलिए दोनों डेबिट कर रहे हैं मेरा बच्चा इज दैट ओके मेरे बच्चे ओके गुड शाबाश गुड बच्चों जर्नल एंट्रीज पूछ सकता है वो पूछता है इसलिए इजी नहीं लेना इस, इन जर्नल एंट्रीज को आगे चलते हैं नेक्स्ट गाइस फिर लॉस वाली सिचुएशन हमने करनी है सर पिछले साल में जरा चेक कीजिएगा गेन क्या है पिछले साल गेन था पांच का इस दफा लॉस आया थ्री का हमने इसकी एंट्री बनानी है सर तीन के लॉस ने कभी दुश्मन पड़ा हुआ है पुराना गेन पड़ा हुआ है तो मैं उसे खत्म करने जाऊंगा मैं उधर जाके शहीद हो जाऊंगा ये खुद कुछ बंबार होते हैं एक दूसरे की जगह जाते हैं तो खुद भी मरते हैं तो लॉस जो है वो रूपीज थ्री है पहले गेन ज्यादा है तो ये सारा का सारा लॉस किधर चार्ज करना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को सारा का सारा लॉस पिछले गेन को खत्म करने ओसिया में जाएगा थैंक यू अब मैंने डबल एंट्री बनानी है तो बच्चों एक डेबिट की एंट्री होती है और एक क्रेडिट की एंट्री होती है अब मैंने डेबिट की एंट्री बनानी थी और क्रेडिट की एंट्री तो बच्चों डेबिट और क्रेडिट तो पहले एसेट वाली साइड क्लियर कर लिया करें तो मेरे बच्चों एसेट कितने से कम हो रहा है लॉस है यार लॉस की वजह से एसेट कम होता है तो एसेट क्रेडिट हो रहा है थ्री से अब डेबिट लॉस होना है लॉस होना डेबिट है लेकिन वो डेबिट जाके किधर होना है उसने किधर जाके बजना है ये इंपॉर्टेंट बात है तो जी सर किधर जाके बजेगा वो यानी किधर जाके एग्जैक्टली exactly डेबिट होगा तो आंसर है मेरे बच्चों ये ओसिया में जा रहा है तो ओ मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस यानी वो सरप्लस वो गेन जो पहले पड़ा हुआ है ये उसको जाके खत्म कर रहा है और आप ब्रैकेट में ओसीआई भी लिख दिया करेंगे कि ओसीआई के थ्रू जा रहा है तो मेरे बच्चों बच्चों ये ये जो अमाउंट आएगी दैट इज लॉसेस की एंट्री थी अगर आप यहाँ तक क्लियर हैं तो मैं पहले सिमिलर मिलती जुलती आपको एंट्रीज दूंगा आप वो मुझे पास करके दिखाएंगे जब आप क्लैरिटी देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जी बच्चों तैयार हो एग्जाम्पल्स के लिए जस्ट राइट वाई वाई मतलब यस yes, या जस्ट राइट जी तो जरा शॉर्ट शॉर्ट करके रिप्लाई करते करो ताकि जरा हमारा इंटरेस्ट रहे कि आप भी पढ़ रहे हो मैं भी पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों पिछले साल में प्रीवियस इयर्स में प्रीवियस इयर्स में प्रीवियस इयर्स में एक गेन पड़ा हुआ है सेवन का ये सेवन का गेन है प्रीवियस ईयर है मैं इसकी एंट्री नहीं मांग रहा आपसे अभी आपको पता है गया किधर होगा ये अच्छा जी अच्छा ये प्रीवियस ईयरस में है प्रीवियस ईयर का मतलब पता क्या है पहले दो का गेन आया होगा फिर तीन का गेन आया होगा फिर दो का गेन आया होगा ये पिछले कई सालों से गेन जो इकट्ठा हुआ हुआ है ये कम्बाइन गेन है अब मेरे बच्चों करंट ईयर की डबल एंट्री चाहिए मुझे जरा तैयार रहना करंट ईयर सर बच्चा डबल एंट्री देगा मुझे ठीक हो गया करंट ईयर अच्छा बच्चों आप लोगों के पास जो कॉपी पेन होता है ना हम जैसे ही ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे ना तो हम उसको भी यूज करेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि इसकी डबल एंट्री बना के मुझे पिक्चर भेज के ग्रुप में भेजना तो आप फौरन पिक्चर लिया करेंगे डबल एंट्री बना के और ग्रुप में भेजा करेंगे और व्हाट्सएप का जो मेरे सामने हुआ करेगा तो हम मैं आपसे ये काम भी करवाऊंगा लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि जरा मेरे साथ साथ रहें आप तो मेरे करंट ईयर लॉस आया बच्चों करंट ईयर में लॉस है और बच्चों लॉस पता कितना है लॉस था टेन का अब मुझे बताओ इस लॉस की डबल एंट्री क्या है वी हैव अ लॉस इन करंट ईयर मुझे डबल एंट्री चाहिए बच्चे जल्दी से बताएं जी क्या डबल एंट्रीज है रिवॉल्यूशन लॉस ऑफ टेन डबल एंट्री एक भाई ने डबल एंट्री दे दी अपनी अपनी लिखना प्लीज मुझे आंसर्स चाहिए शाबाश जी गाइस बिल्कुल ठीक एंट्रीज दे रहे हैं आप यार आप लोग तो छा गए हो यार बस नाम एक बच्चे ने थोड़ा सा डिफरेंट यूज किया है मेरा बच्चा क्या करेगा जहां पे डेबिट रिवेल लॉस लिख दिया ना वहां पे सरप्लस लिखना था तो एंट्री आपने ठीक बनाई है या एटलीस्ट ओसिया भी साथ लिख दिया करो अब जैसे कई बच्चों ने ओसिया लिखा है कई बच्चों ने रिवेल्यूशन सरप्लस लिखा है ठीक है तो सारे डबल एंट्री ठीक बना रहे हैं गाइज बिल्कुल ठीक है गाइज डबल एंट्री बनी इस दफा कि आप ये लॉस पहले डिसाइड करना पड़ेगा ये चार्ज किधर होना तो पता चला कि सेवन इस ओसिया में जाना है और जो थ्री है वो जानना है पी एनडल में तो जब हमें ये पता चल गया मेरे बच्चों तो अब अगला काम क्या करना है हम लोगों ने जी जरा गौर कीजिएगा एक डेबिट चीज है एक क्रेडिट चीज है तो सर एसेट तो क्रेडिट ही लॉस आ रहा है तो एसेट क्रेडिट हो गया टेन से लॉस पी एंड एल में कितना जा रहा है थ्री तो थ्री पी एंड एल डेबिट हो जाएगा ओ में कितना जा रहा है सेवन और ओ डेबिट हो जाएगा और ओसिया के साथ आप एक और चीज लिख दिया करेंगे रिवेल्यूशन सरप्लस ये सरप्लस को चार्ज हो रहा है ना इसलिए रिवल सरप्लस लिख रहे हैं इसका मतलब है बच्चों आपको डबल एंट्री क्लियर है क्योंकि मुश्किल एंट्री यही होती है अब मेरे बच्चों आगे क्या करना है आपने सबने ठीक लिखी थी यार शाबाश अब मेरे बच्चों आप ना गेंद की एंट्रीज मुझे खुद बना बना के देंगे तो मैं नहीं चाह रहा मैं ही बनाई जाऊं आप बना के देंगे जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आगे चलेंगे तो मेरे बच्चों इसकी डबल एंट्री क्या बनती है एक डेबिट है एक क्रेडिट है ले फोर्थ सिचुएशन जो है आप लोगों के पास थर्ड सॉरी इसकी डबल एंट्री क्या बनती है अच्छा ये हम बना नहीं चुके नहीं जी सर इसकी डबल एंट्री क्या बनती बताइएगा प्लीज बच्चों सर गेन है गेन गेन की एंट्री बना रहे हैं आप करंट ईयर गेन है बिल्कुल सही गाइस सबसे पहले तो एसेट डेबिट करें ना आपका एसेट जोन सा भी एसेट है लैंड है बिल्डिंग है प्लांट है जोन सा एसेट है वो डेबिट हो जाएगा तो डेबिट एसेट हो जाएगा फोर से क्रेडिट किसे किया आप लोगों ने बिल्कुल ठीक जी शाबाश क्रेडिट आपने पीएनएल में करना है ये गेन है हालांकि गेन है लेकिन ये चार्ज किधर हो रहा है पीएनएल में तो बच्चों आपने इसे पीएनएल क्रेडिट करना है। शाबाश बच्चों, शाबाश ठीक लिखा था जिन लोगों ने आंसर किया है गुड अब बच्चों सेवन सेवन डिसाइड होगा जाएगा किधर तो, तो मेरे बच्चों ये पांच पीएनएल में चार्ज हो जाएगा और जो दो ओवर एंड अब वो उसी में चार्ज हो जाएगा इसका मतलब ये है कि आप डबल एंट्री क्या करेंगे एसेट तो डेबिट होता ही है तो आपने एसेट डेबिट किया सेवन से गेन में अब जी गेन चार्ज किधर हुआ है डायरेक्ट वो लिखना है तो सर पी एनडल तो क्रेडिट पीएनएल हो जाएगा और ओ सी आई में जा रहा है दो तो ओ सीआई की जगह आप सरप्लस भी लिख सकते हैं और ओसीआई भी लिख सकते हैं ओसीआई की जगह रिवेल्यूशन सरप्लस लिखना है तो ये मेरे बच्चों आ जाएगा टू का ये लें जी इसके साथ ब्रैकेट में ओसीआई भी लिख लिया करें ताकि बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो भाई किसी को भी हमारे भाई बहन को सर यहां तक साथ है आप मेरे अगर यहां तक आप साथ हैं तो बच्चों आपको पता है आखिरी तो एंट्री रहेगी सिर्फ जी सर थ्री का गेन आया पहले लॉस ज्यादा है तो इस गेन ने कहा मैं तो सारा का सारा मैं तो सारा का सॉरी पहले रिवल्यूशन हुई ही नहीं तो इस गेन ने कहा मैं तो सारा का सारा उसी में चार्ज हो जो जाऊंगा तो यहाँ पे बच्चों जो डबल एंट्री बनेगी दैट वुड बी डेबिट करेंगे आप लोग एसेट को लें जी और क्रेडिट किसे करेंगे तो एसेट को डेबिट किया आपने थ्री से क्रेडिट करना है आप लोगों ने गेन और गेन मतलब रिवेल्यूशन सरप्लस इन ओसिया ओसिया में क्रेडिट करना है ना तो ओसीए क्रेडिट करने का मतलब है सरप्लस तो है का दूसरा नाम रिवेल्यूशन सरप्लस रख दो लें जी, ये थ्री। जी बच्चों यहां तक साथ हैं आप फातिमा बच्चे आप क्लियर हैं आपने कोई एक एंट्री दी है मुझे पता नहीं कि वो किस चीज की एंट्री थी ओके okay, शाबाश ले बच्चों आखिरी एक एंट्री ये है जी। पहले भी गेन था अभी भी गेन है तो अभी जो थोड़ी देर पहले आपने एंट्री पढ़ी है वही है तो अब बच्चों डबल एंट्रीज क्लियर हैं अगर डबल एंट्रीज क्लियर हैं तो हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे लेकिन क्या ये टॉपिक हम छोड़ देंगे ओ भाई ये छोड़ ही नहीं सकते ये तो अब हर जगह चलेगा तो ये गेन जो है ये रिवेल्यूशन सरप्लस ओ में जाएगा तो ये तो हर जगह यूज होना है अब हर रिवेल्यूशन के क्वेश्चन में तो रिवेल्यूशन सरप्लस तो ये एंट्री भी थ्री के साथ आएगी थ्री के साथ आएगी। जी बच्चों, क्लैरिटी है चलें आगे अगला समझाऊं फिर मैं आप लोगों को। चलें गुड हो गया अच्छा अब पहले मैं समझाता हूं आप लोगों को एक बेसिक सी बात ये ठीक है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में फिर उसकी मैं लॉजिक भी दूंगा मैं उसको प्रॉपर उसके लिए टर्म यूज होनी चाहिए वो भी करूंगा पहले ना मैं चाह रहा हूं कि हमें एक छोटी सी बात समझ आए तो लेट्स सी गाइस लेट्स प्ले अ गेम तो जरा गौर करते हैं मेरे बच्चो, बच्चो, मेरे बच्चों पास ना एक एसेट है जिसकी कैरिंग वैल्यू है और लाइफ भी गिवन है उसकी उसकी कैरिंग वैल्यू है टू हंड्रेड सर कैरिंग वैल्यू का मतलब है नेट बुक वैल्यू बच्चों कैरिंग वैल्यू ज्यादा वर्ड यूज हुआ करेगा अब तो बहरहाल जी कैरिंग वैल्यू नेट बुक वैल्यू टू हंड्रेड नहीं बच्चों टू हंड्रेड रुपीज का मेरे पास एसेड की कैरिंग वैल्यू है इंटरेस्टिंग मुझे बताओ बच्चों अगर मैं इसको डप्रीशिएट करूं दस साल इसकी वैल्यू है तो मुझे बताया दस साल पे डेप्रीशियेट करने का मतलब क्या कि 200 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे आप लोग और डेप्रिसन आ जाएगी आपकी तो एक साल मल्टीप्लाई बाय वन एक साल की चाहिए तो डेप्रीशन आ रही है 20 की जरा और करना कि सर एसेट कितने का रह गया 180 का रह गया एसेड वन एटी का हो गया अच्छा फिर फिर दोबारा स्ट्रेट लाइन है बच्चों। दोबारा अगले साल की 2, 20 ट्वेंटी चार्ज हो जाएगी एसेड कितने के रह गया यानी की हो गया। हाँ बच्चों, बच्चों डेप्रीसी कितनी चल रही है हर साल मुझे ये बताना है आप लोगों ने डेप्रीसी हर साल कितनी चल रही है मुझे पता है आपको नजर आ रही है मुझे पता है कि बड़ी आसान सी बात है सर ट्वेंटी बिल्कुल ठीक अच्छा ये याद है आपको कि है अच्छा ये एसेट कभी रिवैल्यू नहीं हुआ आप इस कैरिंग वैल्यू नेट बुक वैल्यू की जगह ना कॉस्ट लिख लें तो मेरे बच्चों अगर ये कॉस्ट है तो मुझे बताएं कि ये एसेट कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्वेंटी डेप्रीशन है ये जो ट्वेंटी डेप्रीसी है ये हिस्टोरिक कॉस्ट की डेप्रीशन है ये ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट है क्या ये मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ हिस्टोरिक कॉस्ट मतलब कॉस्ट डेशन ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट आई है शाबाश शाबाश ले पक्के रहना कि की रहनाशन अच्छा क्या मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूं कि ये कॉस्ट मॉडल की डेप्रीसिएशन है कॉस्ट मॉडल की डेप्रीसिएशन क्या ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कॉस्ट मॉडल की डेप्रीसी चलें, गुड शाबाश शाबाश तो डेफ्रीशन ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट जो चल रही है दैट इज ट्वेंटी अब हमें ख्याल आया कि रीवैल्यू करते हैं तो मैंने पता कराया मार्केट से कि मार्केट में वैल्यू क्या है तो रीवैल्यूड अमाउंट जो आई ना बच्चों जो मार्केट वैल्यू आई साथ साथ रहना समझना है फिर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे जाके उधर यानी मार्केट वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट मतलब मार्केट वैल्यू जो मार्केट वैल्यू आई ना बच्चे वो बड़ी कमाल वैल्यू आ गई बताएं कितनी वैल्यू करें 240 कर Thank you so much guys. 240. ये market value 240. को बताएगा कितना गेन आ गया, जो जो चल रही थी, carrying value जो चल रही रही थी, थी थी, वो 160 थी. 160 से पता चला revalued amount 240 हो है. पहली दफा रिवे की तो मेरे बच्चों टू फोर्टी आ गया साफ पता चल रहा है कि 80 से इंक्रीज हो गया और जितने से एसेट इंक्रीज हुआ है वही हमारा गेन है एसेट तो इंक्रीज हुआ है बच्चो एटी से तो ये एटी का गेन है मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ सी के करना क्या है इसको ग्रीन कर रहा हूँ जरा अच्छा है ना गेन है खुशी है तो जरा ग्रीन कलर यूज करते हैं ये लेटी ये 80. ये रिवेल्यूशन गेन है मुझे बताएं बच्चों ये गेन किधर चार्ज होना है ये रिवेल्यूशन गेन है और रिवेल्यूशन गेन किधर चार्ज होता है सरप्लस किधर चार्ज होता है जी सर जरा बताएंगे आप सरप्लस जी सर 80 ठीक हो गया जी ओसीएम है चार्ज होना शाबाश बच्चों गुड शाबाश तो गाइस गाइस क्या मैं ये लिख लूं यहां पे यहां पे मैं लिख लूं रीवैल्यूएशन सरप्लस रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये तो मैं यहां पे है ना रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख रहा हूं कि 80 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो मैंने डबल एंट्री बनाई है थोड़ा सा अगर आप और करो तो मैंने डबल एंट्री बनाई है बच्चों ये तो एसिड का कॉलम है ना ये एसिड की कॉलम है एसिड का कॉलम मतलब एसेट का अकाउंट ये एसिड का अकाउंट चल रहा है देखिए इसमें मैंने एसेट को बढ़ाया तो मैंने किया। हो गया। और क्रेडिट मैंने रिवेल्यूशन सरप्लस किया क्रेडिट देखेंगे क्रेडिट रिवेल्यूशन सरप्लस हो गया इतनी बात मेरे बच्चों को समझ लग गई गुड ठीक हो गया अच्छा ठीक है जिसके इसके असातोसिया भी लिख सकते हैं तो बच्चों ये मैंने डबल एंट्री बनाई है एक्चुअली डन अब ये डेप्रीशिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है ये मुझे यहाँ से थोड़ी सी रेज करनी है तो जरा गौर करना कि हुआ क्या ये जरा गौर करना इसको थोड़ा मैं दूर लेके जाता हूँ ले ये इधर आ गई अब मेरे बच्चों जरा अफेक्ट सोचना है कुछ भी सोल्व कर रहे हम हम सिर्फ एक छोटी सी चीज समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल बना के अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि वाकई ऐसे होता है या ही चल रहा है अच्छा जी अब मेरे बच्चों को बता सकता है कि अब से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू पे चार्ज होनी है जब एसेट्स री वैल्यू हो जाते हैं ना तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होती है वो चार्ज होती है किस पे मार्केट वैल्यू पे तो अब से ऑनवर्ड्स डेप्रीशन मार्केट वैल्यू 240 पे चार्ज होगी और डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं स्ट्रेट लाइन है तो मैं ये पढ़ानी भी है हमने पढ़नी है आपने जब भी एसेट में रिवेल्यूशन हो जाए तो डिवाइडेड बायिंग लाइफ से करते हैं फिर शाबाश बच्चों शाबाश बबर शेरो इतनी बातें ये तो बच्चों वाली बातें तुम लोगों के लिए तो एक साल इधर गुजर गया था ये इन ये इधर गुजर गया था ये ईयर टू गुजर गया था तो दस सालों में से दो साल तो पहले गुजर चुके हैं तो अगर दो साल गुजर चुके हैं तो इसका मतलब है एट रिमेनिंग ईयर्स है एट रिमेनिंग ईयर्स है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है एट ईयर्स ये लें जी टू फोर्टी डिवाइडेड बाई एट ईयर्स अब मेरे बच्चों डेप्रीसिएशन कितनी आई द क्वेश्चन इज वट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन बड़ी मजे की बात ये है कि डेप्रीसिएशन थर्टी आ गई आई थर्टी so, okay, है बिल्कुल थर्टी है बच्चों अब जरा कॉन्सेप्ट समझने का टाइम आया है, आ गया कॉन्सेप्ट समझने का टाइम मेरे बच्चों मुझे यह बताओ कि कितनी हिस्टोरिक कॉस्ट की से अगर आप रिवेल्यूशन ना करते तो डेप्रीसी कितनी होती ट्वेंटी आप अब डेप्रीसी चार्ज कर रहे हैं थर्टी इसका मतलब क्या है बच्चों क्या मतलब है इसका इसका मतलब है आपने एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी मुझे बताएं कि ये एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन चार्ज करना अच्छा इफेक्ट है या बुरा इफेक्ट है यानी पी एंड एल पे आपके बुरा इफेक्ट गया या ज्यादा मतलब जो एक्सेस है देखें बीस तो होनी होनी थी ना आप कुछ पंगा ना भी लें तो बीस तो होनी होनी है तो बीस तो होनी होनी है लेकिन द पॉइंट इज कि थर्टी हो गई है तो कितने का बुरा इफेक्ट हम पे आया दस का आप सारे सारे पहले बता चुके हैं सर सबको क्लियर है कि टेन का बुरा इफेक्ट आ चुका है अच्छा अब क्या मैं ये नाम दे सकता हूं अब मैं तो, दो तीन नाम मैं, मैं चाहता हूं दो तीन नाम मैं आपको कंफर्म करूं सर डेप्रिसिएशन ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट आपको क्लियर है मुझे बताएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट आपको क्लियर हुई है ऑन रीवैल्यूड अमाउंट डे ऑन रीवैल्यूड अमाउंट जी बच्चो थर्टी है अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लू और इसको इंक्रीमेंटलिएशन आगे में लिखूंगा भी ड्यू टू ड्यू टू ये ड्यू टू वाला बात भी इंपॉर्टेंट है ड्यू टू रीवैल्युएशन सरप्लस ये रीवैल्यूशन सरप्लस की वजह से टेन तो क्या ये आपको जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये आपको समझ आ गया ये जो ट्वेंटी लिखा मैंने थर्टी लिखा टेन लिखा ये आपको समझ आ गया अब अगर मैं आगे चल के नोट्स में से स्टैंडर्ड में से ये बातें पिक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो ये आप आप क्लियर है इन मामलों में आप क्लियर हैं मैं स, मैं मेरे बच्चे दोबारा समझाता हूँ थैंक यू पूछने के लिए आपने पूछा कि मैं दोबारा समझाऊ बस बच्चे टेक्निक है ही ये स्लो पढ़ो तेज पढ़ो बस साथ साथ रखो हर चीज आप क्लैरिटी के साथ जाए तो कॉन्सेप्ट है ही है अब जरा गौर करना बच्चे मेरे बच्चे डेप्रीसिएशन देखें आपने ना रीवैल्यूएशन करके ना एसेट बढ़ा दिया है ये बात मेरे बच्चे को समझ आई सर जस्ट वाई या जी लिखता जाए ये डेप्री गेन जब आया तो एसेट बढ़ गया शाबाश बच्चे जब मेरे बच्चे एसेट बढ़ा तो जब आप इंक्रीज वैल्यू पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी ये मेरे बच्चे को बात समझ आती है शाबाश शाबाश मेरे बच्चे अब रीवैल्यूड अमाउंट पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो तीस है तो मैं इसको इसका नाम दूंगा कि रीवैल्यूड अमाउंट की डेप्रिसिएशन है ये डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन मॉडल में आई है रीवैल्यू हुआ

What is the एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन ड्यू टू दिस गेंद इस गेंद ने मेरी डेप्रीसिएशन पर क्या की है मैं ये की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चों क्या ये बात समझ लगी बेहतरीन हो गया तो कितनी डेप्रीसिएशन एक्स्ट्रा है आप खुद ही बता दें आप कितनी डेप्रीसिएशन ज्यादा 10 की बच्चे ये 10 की डेप्रीसिएशन ना हमें चाहिए हुआ करेगी तो कहाँ पे चाहिए अब मैं ये बताने जा रहा हूँ अभी मैंने कैलकुलेट करने पे फोकस रखा है अब मैं बताऊंगा यार इसका पंगा क्या है मैं क्यों कैलकुलेट करा रहा हूँ हो क्या गया सर ये क्या समझाना शुरू कर दिया अब मैं उसका आंसर दूंगा अब मेरे साथ हैं तो जस्ट राइट ओ just write o, और अगर आप मेरे साथ नहीं है तो क्वेश्चन पुट करें जरा हम समझ के चलेंगे आज शहजादे अब अगर आपको ये बात समझ लग गई है तुम लोग बब्बर शेर हो मेरे अब मेरे बच्चों अब अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना शाबाश बच्चे शाबाश जरा इसी तरह अप्रीशिएट इसी तरह जरा आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है अब मेरे बच्चों गेन को कल मैंने क्या कहा था मैंने कहा था गेन, गेन जो है ये खुशी है गेन जो है खुशी है सही है आप बड़े खुल खिल, खिल के खुश हो गए थे आपने पता नहीं कितने सॉन्ग सुन चुके सुन लिए खुशी वाले ठीक है हम तो दूर दूर तक नहीं था तो ये जो एटी था ना एटी ये खुशी थी आपने कहा कमाल हो गया गेन आ गया गेन है गेन है बच्चों द पॉइंट इज गेन था गेन था लेकिन इस गेन का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी तो हम पे आया आप मुझे बताएं क्या नेगेटिव इंपैक्ट आया गेन का हम पे इस गेंद का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया थैंक यू फातिमा शाबाश मैं जानना चाह रहा था गेंद का नेगेटिव इफेक्ट क्या आया तो मेरे सारे बच्चे ठीक बता रहे हैं तुम लोग बब्बर शेर हो यार तुम लोग किधर थे इतने इंटेलिजेंट लोग मेरी तुम लोगों से पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई शाबाश ये बच्चों ये एक्सेस इज अ नेगेटिव नेगेटिव ऑफ दैट गेन नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ दैट गेन तो ये नेगेटिव इंपैक्ट है मेरे गेन का ट करते रहेंगे ये उतनी देर आपको ये एक्स्ट्रा आती रहे। तो मेरे एक बच्चे ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया है उसने कहा एक्सेस डेप्रीसिएशन की जगह हम इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल जी इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन एक्स्ट्रा ही होती है इंक्रीमेंटल इज एन अदर नेम ऑफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इट्स एन इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन इसका मतलब है बच्चों एक नेगेटिव इम्पैक्ट है चले गुड हो गया तो बच्चों हुआ ये था कि मुझे कहीं से पड़े हुए मिले थे पैसे में गुजर रहा था ऐसे ही एटी रुपीज कहीं पड़े थे अगर किसी को एटी रुपीज थोड़े लग रहे हैं ना तो जरा एटी थाउजेंड कर ले तो जरा उसको जरा थोड़ा फील आएगी तो मुझे एटी थाउजेंड मिला था तो मैंने मैं बड़ा खुश थोड़ा सा मैं आगे गया तो उसमें से टेन गिर गया उसमें से टेन गिर गया तो मेरे बच्चों आप मेरे ऊपर जो पॉजिटिव मेरे पास जो पॉजिटिव बैलेंस है व्हाट इज दैट बैलेंस मेरे पास कितना गेन रह गया है दिस इज रियली इंपॉर्टेंट तो बच्चों ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है ना ये आपके इस रीवैल्यूएशन सरप्लस को कम कर देगी और अब आपका जो गेन है वो 70 है नाउ योर 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 न्यू रीवैल्यूएशन सरप्लस वुड बी 70 ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इस गेन को कम करती जाएगी हमेशा कम करेगी या कभी कबार करेगी कभी कबार नहीं करेगी वो बात के मसले हैं अभी आप यही समझ रहे हैं कि इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन से ये वैल्यू कम होनी अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम इसी के ऊपर खपेंगे आई जस्ट वॉन्ट के गेन जो था एटी का था एक्सेस एक्सेशन टेन की चार्ज हुई उससे अब आपके पास सेवनटी रह गया अब मेरे बच्चों की इतनी बात समझ गई है तो आगे बढ़ते हैं शाबाश चले बच्चो अब एक तरफ एसेट चल रहा है दूसरी तरफ क्या चल रहा है सरप्लस अब जरा दूसरा समझ लो दूसरे तरीके से समझ लो इसको बच्चों एक तरफ एसिड रिड्यूस हो जा रहा है तो जब एसिड रिड्यूस हो जा रहा है जा जा रहा हो जा रहा है है और हर टाइम गुजरते के साथ ये कम हो रहा है और आखिरी दिन इसने जीरो पे जाना है तो यार कॉन्सेप्ट ये है कि फिर ये गेन भी तो कम होना चाहिए ना ये गेन पड़ा रहे ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए अगर जीरो पे जा रहा है इसको अच्छा अब मैंने किस तरह समझाया? मैंने प्लस से आपको पास पेपर का क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ आप लोगों को बस पता नहीं चल रहा अब करें वैल्यूज हम खुद रिज्यूम कर रहे हैं थर्टी तो मेरे बच्चों फिर आपने थर्टी की रहेगा जरा बता ना एसिड कितने का रह गया टू टेन का रह गया अब मुझे बताएं चेंज होगी या वही रहेगी वही रहेगी सेम चलती रहेगी जब जब तक चेंज ना आए तो चेंज नहीं होती लाइफ चेंज हो रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो वैल्यू चेंज हो यानी आप कॉस्ट को कैरिंग वैल्यू को छोड़ के मार्केट वैल्यू पे चले जाए तभी डेप्रीसिएशन चेंज होगी तो अभी भी दोबारा थर्टी की डेप्रीसिएशन है अब मुझे बताएं दोबारा कितना नेगेटिव इंपैक्ट आया बच्चों अगेन की वजह से इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट कितना तो बताइएगा जरा इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट कितना दोबारा टेन का शाबाश बच्चो तो ये टेन का इंक्रीमेंट अगर आ गया आपके पास तो मेरे बच्चों अब आपका गेन कितना है तो जरा जल्दी से बताएं रिवेल्यूशन सरप्लस कितना बढ़ा हुआ अब मैं इसको ट्विस्ट करने लगा हूं। मैं अब एक डिफरेंट एंगल पे लेके जा रहा हूं इसको तो बच्चों तैयार हो जरा अगली चीज समझने के लिए इंक्रीमेंटल डेप्रीसी ड्यू टू रिवेल्यूशन है ये बच्चो त्यार हो दूसरी चीज समझने के लिए एसेट कितने का रह गया जरा ये भी देख लें एसिड रह गया जी exactly एग्जैक्टली बच्चों तैयार है तो ओके okay लिखो मैं ओके okay लिखोगे तो मैं नहीं मैं पढ़ा रहा तुम लोगों को पता है हम आगे तो बढ़ते नहीं ये है ये चीज़ है ना यार सुबह सुबह इतने फ्रेश हो के तुम लोग आ जाते हो ऊपर से इतना क्विकली क्विकली आंसर देते हो शाबाश बच्चों अब उन्होंने कहा रिवेल्यू दोबारा करें अच्छा अब अब देखिए अब दिस इज देशन ऑफ स्टैंडर्ड्स मुझे बताए कि ये क्या बात हुई मैंने दो साल रिवैल्यू नहीं किया और अब वो मुझे कह रहा रिवैल्यू करो मुझे वो क्यों कह रहा है लाइन फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मुझे एक से लाइन चाहिए कि क्यों मुझे कह रहा है कि रिवैल्यू करो वो बताए जी और मेरा बच्चा चीते हो आप चीते बब्बर शेर हो आप छा गए हो आप ओके अब जी जरा और करें बिल्कुल सर हमने पढ़ा था रेगुलर बेसिस पे रिवैल्यू करो शाबाश रेगुलर बेसिस पे तो यार मैंने एक साल गुजार दिया नहीं किया दूसरे साल पे अब मैं कह रहा हूँ रीवैल्यू करो तो इसका मतलब है अब मटीरियल डिफरेंस आया होगा स्टैंडर्ड कहता है कि मटीरियल डिफरेंस जब आए तब रीवेल्यू करो उसकी लाइन क्या है जब मटीरियल डिफरेंस ना रहने दो तो मुझे रिवेलूशन की जरूरत ही तब पड़ती है जब मेटीरियल डिफरेंस आता है तो मैं जल्दी से रीवेल्यू करके उस मटीरियल डिफरेंस को खत्म कर देता हूँ क्या बच्चों ये बात समझ लगी क्या ये बात समझ लगी मैं चाह रहा हूं कि हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा उसको हम रिलेट कर, -कर करके हर चीज पे अप्लाई कर, कर करके पढ़े ताकि दिमाग में हो के यार ये चीज तो याद ही रखने वाली है याद हो ही जाएगी शाबाश बच्चों अब मेरे बच्चों मैं जाना चाह रहा हूँ मार्केट वैल्यू पे मार्केट वैल्यू पता कराई मैंने तो पता चला मार्केट वैल्यू यानी री वैल्यूड अमाउंट री वैल्यूड अमाउंट या मार्केट वैल्यू एक ही चीज के दो नाम है तो मैंने पूछा रीवैल्यूड अमाउंट अब कितनी है रेड में लिख रहा हूं तो क्या होने लगा जल्दी जल्दी बताओ रेड में लिख रहा हूँ क्या होने लगा तुम लोगों को तो इतना भी पता चल रहा है लो और क्या चाहिए तुम लोगों को यही तो चाहिए होता है पास करने के लिए पता चल रेड में लिखा हुआ है तो क्या हो रहा है अब जी गाइस कर रहा है क्या इंटरेस्टिंग काम होने लगा है आई जस्ट वॉन्ट द लॉस ऑफ मैं चाह रहा हूँ कि री वैल्यूड अमाउंट आ जाए one, 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 one. मैं चाहता हूँ ये वैल्यू आए को बता सकता है यार कितना कितना वैल्यू चाह रहा हूं मैं मैं चाह रहा हूं वन वन फाइव कमाल हो गया कमाल ये वैल्यूड अमाउंट मार्केट वैल्यू आ गई सो कोई बता सकता है कितना लॉस है शाबाश जल्दी से बता दो जरा जी सर सही कह रहे हैं आप वी हैव अ लॉस ऑफ वी हैव अ लॉस ऑफ व्हाट इज द लॉस सिक्सटी फाइव बिल्कुल जी सिक्सटी फाइव का लॉस आ गया है। ये है मेरे बच्चों लॉस मुझे बताओ बच्चों क्या लॉस से पहले गेन पड़ा हुआ है इज देअर एनी गेन जो कि लॉस से पहले है अब मजे की बात है वो गेन कितना है क्या वो गेन उतना है जितना दो साल पहले आया था या वो गेन भी कम हो हो के कम रह गया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज यार आप लोगों को तो पहले पता है यार मुझे तो लग रहा है ये टॉपिक तुम लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं यार इतना अच्छा कैसे समझ आ सकती है किसी को लोग मेरा गजल बच्चे ने तो आंसर भी कर दिया यार that possible यार इतनी जल्दी कैसे समझ सकते हो तुम लोग अब दो काम है यार या तो मैं समझाता हूँ इंटेलिजेंट हो और अगर तुम लोग इंटेलिजेंट हो ना तो फिर तो कमाल हो गया ओके गाइस अब सर सर ये लॉस का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए सर कोई बता दे सर ये लॉस का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए सर जब गेन पहले पड़ा हुआ है जब गेन पहले पड़ा हुआ है सिक्सटी का तो सिक्सटी के गेन को ऑफसेट कर दें इस लॉस से ये खत्म करेंगे पहले ये इसको जीरो कर दिया हमने अब जो बच्चे बच बच्च गया सिक्सटी फाइव डील करना है आपने अभी तक सिक्सटी डील किया है तो बताएं वो किधर जाएगा बिल्कुल सही थी वो पीएनएल में जाएगा तो हम लोगों ने क्या किया करना है पीएनएल भी इधर ही बना लेना ये 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 पीएनएल बन गया और इधर फाइव का लॉस आ गया बच्चों ये लेंगे, ये फाइव का लॉस आ गया सर ये काम करना होता है अगर आप लोगों को ये बात समझ लग गई है तो आप डबल एंट्री बना लेते हैं एक ही डबल एंट्री सिखाई हुई है वो जहां पे आती है मैं बना लेता हूँ सर 80 की, की डबल एंट्री क्या पास की थी आपने इस 80 की सर इस 80 की डबल एंट्री पास की थी आपने डेबिट किया था आप लोगों ने एसेड और क्रेडिट किया था आप लोगों ने रीवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई ये जो 80 का गेन आया था ब्रैकेट में मैं ओसिया भी लिख लेता हूं तो एट्टी एंड एट्टी ये लेज, ये काम हो गया इसकी डबल एंट्री क्या बनाई है मैंने मैंने एक ही एंट्री पढ़ाई है क्या सर मैं ये एंट्री पढ़ाएंगे आप पढ़ाऊंगा सर सर क्या आप ये एंट्री भी पढ़ाएंगे सर पढ़ाएंगे सर आप डेप्रिसिएशन की एंट्रीज भी पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे सर ये सारी एंट्रीज पढ़नी है भाई अब मेरे बच्चों एसिड रिड्यूस हो रहा है तो क्या करना चाहिए जी क्रेडिट करना चाहिए एसेड तो डबल एंट्री जी सर क्रेडिट करना चाहिए आपको एसेड कितने से क्रेडिट करना चाहिए एसेड सिक्सटी फाइव से सर आप देख नहीं रहे ये, उस एसेड के कॉलम है ये एसेड का अकाउंट है एक्चुअली इन डायरेक्टली तो ये एसेड का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आप सिक्सटी फाइव लेस कर रहे हैं ओके डेबिट करना, करना है आप लोगों ने पी एंड एल पी एंड एल में कितना चार्ज करना है आप लोगों ने मेरे बच्चों आसान है फाइव चार्ज करना है और आपने रील सरप्लस को कितना चार्ज किया रिवेल्यूशन सरप्लस या OCI, उसको चार्ज किया आपने बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो आप लोग भी अमर हो गए आज के लिए और मैं भी अमर हो गया हूँ इस स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, अगर ये बात समझ लगी है, तो अब हम इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं तो गाइज आर यू रेडी क्या बात है बब्बर शेर हो तुम लोग तुम लोगों को जो बात बातें समझ आ रही हैं ये बातें यार बाकी तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इतना अच्छा कैसे समझ रहे हो यार अब मेरे बच्चों मजा आप आना है तो नहीं पढ़ा हो फिर भी समझ रहे हो ना तो यार तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो बस पोटेंशियल पहचानो अपना ओके गाइज अब मेरे बच्चों आनी है आप डेप्रीसी अब मुझे बताएं डेप्रीसी किस वैल्यू पे चार्ज करेंगे ये जरा थोड़ा

तो कितने साल गुजर गए यार यहाँ पे एट थे एक साल यहाँ पे गुजरा आठ में से एक और चला गया ऐसे कर ले इन टू वन हुआ ना फिर दोबारा एक साल गुजर चला गया तो छ चार साल गुजर चुके हैं टोटल छह साल रह गए क्या लाइफ चेंज हो सकती है सर बिल्कुल हो सकती है सर वो भी करेंगे सर ठीक है सारा कुछ ही करके देखेंगे भाई रुकना तो है ही नहीं हमने अब मेरे भाई वन वन फाइव डिवाइडेड बाय ले जी सिक्स 115 डिवाइडेड बाय 6 ईयर 115 डिवाइडेड बाय 6 ईयर जी सर कितनी डेप्रिसिएशन गाइस इनटू 1 कर दें एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी सर ये आ रही है 19.16 मेरे से थोड़ी सी गलती होगी मुझे अमाउंट थोड़ी और ज्यादा रखनी चाहिए थी लेकिन चलें अब पॉइंट्स में आना पड़ेगा हम लोगों को बच्चों तो पॉइंट्स में आ जाते हैं खैर तो 19.16 की डेप्रीसिएशन है बच्चों। अब मुझे बताएं 19.16 की जो डेप्रीसिएशन है अब मेरे साथ साथ रह के बच्चों। बच्चों कितनी डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज है व्हाट इज इंक्रीमेंटल। अब जब लॉसेज हैं, अच्छा पहले ये बताएं कि सरप्लस की सिचुएशन में है या हम लॉस की सिचुएशन में टोटल में ओवरऑल हम टोटल ओवरऑल सरप्लस की सिचुएशन में या लॉस की सिचुएशन में सरप्लस तो जीरो हो गया ना आपका आपका लॉस की सिचुएशन चल रही है ठीक है अब मुझे बताएं लॉस की वजह से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉस की वजह से बच्चों लॉस की वजह से डेप्रीसी लॉस इज अ एक बुरा इफेक्ट लॉस एक बुरी चीज है लेकिन लॉस की वजह से डेप्रीसी का कम हो जाना आपको नहीं लग रहा अच्छा है

रही नहीं बिल्कुल गाइज डेप्रीशन डेप्रीशन ना ना थर्टी से नहीं करना था डेप्रीसी हमेशा अंडर या ओवर डेप्रीसी निकालने के लिए डेप्रीशन हमेशा अंडर या ओवर निकालने के लिए आप हिस्टोरिक डेप्रीसी से कंपेयर करेंगे यानी वो डेप्रीसिएशन जो आप कॉस्ट पे चार्ज कर रहे थे कंपैरिजन हमेशा इसी के साथ रहेगा जब भी अंडर ओवर डेप्रीसी निकालनी है तो मेरे बच्चों ट्वेंटी की डेप्रिसिएशन चल रही थी अगर ये आज भी एसेड पड़ा होता तो ट्वेंटी पे पड़ा होता ये इस में लाइफ चेंज नहीं हो रही मैं लाइफ भी चेंज कराऊंगा हमने बड़े ना होता तो ट्वेंटी की डेप्रीसी बड़े आराम से आपने दस साल चार्ज करा के इस एसेट को खत्म कर देना था लेकिन गेन लॉस की वजह से डेप्रीसी ऊपर नीचे जा रही है तो कंपैरिजन हमेशा 20 से रहेगा बच्चों अब मुझे बताएं 20 की से कंपेयर करना आपने तो कितनी कम करेगी जिस तरह आपके गेन को थोड़ा थोड़ा कम खार -खारी होती है दिमि की तरह थोड़ा थोड़ा इन द सेम वे आपके जो लॉस है जो आपका लॉस है ये भी एकस, अंडर डेप्रीसिएशन की वजह से खत्म हो रहा होगा तो बता सकते हो बच्चों अंडर डेप्रीसिएशन कितनी है किसी बच्चे ने बताया था तो है .84, तो है इससे आपका लॉस कम हो गया अब जो लॉस रह गया बच्चों बता दो जरा और एसिड की जो वैल्यू रह गई है वो भी बता दो सनम कह रही है, है मान लिया 20 से लेना है लेकिन हमें रीजन समझा मुझे ये एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगता है वो कह रही है कि सर रीजन तो देना अब ऐसे कैसे आप ऐसे ही बढ़ते जाए बढ़ते जाए ऐसे थोड़ी होता है तो सनम बच्चे हम आपको रीजन देंगे मेरा हर टॉपिक स्टैंडर्ड से रिलेटेड इंटरकनेक्टेड होता है कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी बड़े मजे की मैंने कहा था यार अगर आप एक एसेड लेके बैठे हुए हैं और उस एसेड को आपने हंड्रेड का लिया है और आपकी वैल्यू एक सौ पचास हो जाती है ठीक और फिर उसके बाद ये नाइन्टी रह जाती है तो बच्चे ये बात समझ आती है ना कि ये फिफ्टी का गेन था ये फिफ्टी का लॉस है लेकिन ये एक्चुअल लॉस नहीं है ये उसी इंक्रीज वैल्यू को क्या कर रहा है कम कर रहा है जो जेनवन लॉस है वो टेन है क्या ये बात समझ आती है शाबाश बच्चे मुझे अच्छा अगर आप हंड्रेड पे डेप्रीसी चार्ज करते रहेंगे तो ये depreciation है जो कि होनी चाहिए कॉस्ट पे लेकिन बच्चे अगर आप नाइन्टी पे डेप्रीसी चार्ज करना शुरू कर देंगे आप नाइनटी पे डेप्रीसी चार्ज करना शुरू कर दें अगर आप नाइनटी पे डेप्रीसी चार्ज करना शुरू कर देंगे तो लॉस की वजह से जो डेप्रीसी में कमी आनी है बच्चे ये फिफ्टी तो लॉस ही नहीं है आपका ना This is not loss, ना? ये, ये तो लॉस ही नहीं ये तो गेंद को कम कर रहा है इस गेंद ने डेन पढ़ाई थी इस गेन, ने कम कर दी तो जेनवन रिडक्शन है, या loss है वो दस का। तो अगर मैं लॉस की वजह से कमी देखना चाहता हूँ तो इन दोनों का फर्क है ना जेनवन लॉस बता रहा मुझे जी मेरे बच्चे को समझ लगी कि जेनवन लॉस दस का है तो दस का जेनवन लॉस कब आएगा कैसे आएगा जब आप उसे हिस्टोरिक कॉस्ट से कंपेयर करेंगे

बल्कि एसेट छोड़े यार बाद में करते हैं एसेट मुझे बताएं uh, 1 की जब आप करेंगे, एक साल बाद लॉस तो जो, uh, जो है वो कम हो जाएगा मेरे बच्चों अब मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे अब सिचुएशन वाइंड अप करना चाह रहा हूँ मैं अगली सिचुएशन व्हाट इज कैरिंग वैल्यू दो दफा लेस करा के प्लीज जरा कैरिंग वैल्यू दे मुझे क्विकली गाइस एम वेटिंग शाबाश और मुझे ये कोई एक बच्चा इसका भी टोटल दे।, दे। फाइव में से पॉइंट एट फोर पॉइंट एट फोर लेस कर दिए जी गाइस क्या वैल्यू आ रही है थैंक यू सो मच गाइस सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स एट शाबाश शाबाश और ये बच गया थ्री पॉइंट थ्री टू ये लॉस बचा हुआ है जी थ्री पॉइंट थ्री टू बच्चे मैं गेन लाने लगा हूँ गेन का ट्रीटमेंट देंगे आप हर सिचुएशन से आप गुजर जाएंगे सर मैं रिवेल्यूशन गेन लाने लगा सर मार्केट वैल्यू इज इस... सर मार्केट वैल्यू कितनी है मार्केट वैल्यू होगी है सर नाइनटी होगी है सर लें जी लेट रखते हैं ताकि जरा क्लैरिटी हो सीधा सीधा गेन आ जाए जी सर बताएं बताओ जल्दी जल्दी बता दो बच्चों कितना गेन आ रहा है मार्केट वैल्यू नाइनटी पॉइंट सिक्स एट होगी है फोर्टीन का गेन है फोर्टीन का गेन है शाबाश बच्चों, शाबाश। और ये 14 का अगर गेन है तो मेरे बच्चों अब इस गेन का ट्रीटमेंट बताओ शाबाश लॉस बचा हुआ है ऑब्वियसली थ्री पॉइंट थ्री टू अगर ये लॉस थ्री पॉइंट थ्री टू है ऐसे में गेन आ गया गेन ने देखा उसका दुश्मन पड़ा है तो उसने कहा मैं अपने दुश्मन को सबसे पहले खत्म करूंगा तो ये गेन 3.32 पॉजिटिव होता है ना तो गेन में पॉजिटिव लिखूंगा फिर भी कितना गेन बच गया फातमा ना मेरा बच्चा ऐसा नहीं है देखिए लॉस पड़ा हुआ है ना 3.32 का तो लॉस को गेन खत्म करने जाएगा इन पी एन एल ये लॉस जो खत्म पड़ा हुआ है पीएनएल में पड़ा हुआ है तो पी एन एल को खत्म करना है आपने जो बाकी बच गया बच्चों टेन पॉइंट सिक्स एट है ये टेन पॉइंट सिक्स एट गेन है अब टेन पॉइंट सिक्स एट का गेंद डबल एंट्री बना सकते हैं आप यहाँ पे क्या डबल एंट्री बनी है बिल्कुल ठीक सही कह रहे हैं आप लोग सर डेबिट आपने पी एल किया है कितने से डेबिट पी एंड एल किया थ्री पॉइंट थ्री टू से सर डेबिट आपने री सरप्लस सर प्लस किया है सर कितने से टेन पॉइंट सिक्स एट से क्रेडिट आपने एसेट किया मेरे बच्चों कितने से फोर्टीन से सर ये डबल एंट्री पास हुई है सर सर अगर आपको ये बात क्लियर है तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा डेबिट एसेड डेबिट नहीं होगा सॉरी uh, बच्चे yeah. debit, sorry, sorry, sorry. मैं उल्टी बना गया गया really बताने के लिए। ये 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 हो हो और तो करना था हमने ठीक है ले जी गेंद ओके ले बच्चों ये जी uh, हो गया ठीक uh, है यहाँ तक साथ हैं आप क्लैरिटी मिल गई आपको आखिरी बात बताने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आप लोगों ने करना है बच्चों आई बी शेयरिंग टू क्वेश्चंस विद यू एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है और एक असाइनमेंट है जो असाइनमेंट है ना वो आपने मुझे आज ही करके भेजनी है जब वो आप भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं उसको देखूंगा फिर मैं आप लोगों को पास पेपर असाइन करूंगा तो ये दो दिन में हमने एक असाइनमेंट करनी एक पास पेपर करना जी मैं अभी भेज रहा हूँ मैं ये ये भी भेज देता हूँ मैं बिल्कुल ठीक है ये, इसकी इसका भी मैं भेजता हूँ ये क्वेश्चन विद आंसर में भेज देता हूँ तो गाइज uh, uh, बस दैट्स इट आखिरी बात मैं बता के निकल खत्म कर रहा हूँ ये क्लास बल्कि यार टाइम हो गया तो बाकी ग्रुप में डिस्कशन चलती रहेगी हमारी इस टॉपिक को लेके द नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन मंडे गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू सो मच अल्लाह